आज की डेट में यानी 24 नवंबर 2020 को जो है जो ऑल अफिलेटेड कॉलेजेस हैं, सीएमपी हो गया, ईश्वरचंद डिग्री कॉलेजेस हो गया और एडीसी यानी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज हो गया, तो इसकी कट ऑफ जो है वो रिलीज की जा चुकी है। जैसा कि अनुमान भी लगाया गया था कि जल्द ही 100 के अंदर आ जाएंगी, कुछ कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो 100 के अंदर आ भी गई हैं और जल्द ही 60 प्लस वालों का भी एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जो कई कॉलेजेस हैं, जो अफिलेटेड कॉलेज हैं, वो 60 के अंदर भी आ गए हैं। 10 तक यहाँ पे जो है वो कट ऑफ गिरी है, यानी 300 में से 10 भी अगर लाए हैं किसी किसी कोर्स में तो भी आपका हो जाएगा। मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे 24 नवंबर के लिए बात किया गया है, तो ये कॉलेज है ईश्वरचंद डिग्री कॉलेज, ठीक है, ISDC। तो मैं यहाँ पे ISDC की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई है ऑल कैटेगरी के लिए, यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी जो कट ऑफ गई है वो 115 एंड अबव गई है, जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। तो बीकॉम में जिनका भी 115 है या उससे अधिक है, वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं ईश्वरचंद डिग्री कॉलेज में तो अब एडमिशन ले सकते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगली कट ऑफ जो 105 आएगी, इसके बाद जो कट ऑफ आएगी वो 100 के अंदर बहुत जल्द ही गिर जाएगी, ठीक है। वहीं मैं बीकॉम की बात करूँ तो इस बार काफ़ी हाई कट ऑफ गई है बीकॉम वालों की। EWS के लिए यहाँ पे निकाली गई कट ऑफ जो कि 140 गई है, जबकि वहीं SC के लिए बहुत ही कम, ठीक है, आप देख सकते हैं कितना अंतर है, तो 30 गई है, ठीक है, SC के लिए 30 गई है एंड अबव, यानी बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं और आपकी कैटेगरी SC है, अगर आपका 30 या फिर उससे प्लस है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, जबकि वहीं EWS के लिए काफ़ी यहाँ पे मारामारी है क्योंकि सीट को लेकर के 30 वजह से 140 गई है, जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ BSc मैथ की, तो BSc मैथ में ईश्वरचंद डिग्री कॉलेज में बात करूँ तो 110 गई है ऑल कैटेगरी ऑल अबव, मतलब 110 या फिर उससे अधिक अगर आपका अंक है तो आप जो है ऑल कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप BSc मैथ के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं। वही सेम चीज़ है कि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। देखिए BVOC यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस बार दी गई है वरीयता कि आप ऑटोमोबाइल एंड फूड प्रोसेसिंग अगर इंटर पास सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। फॉर एडमिशन अगर आपको जाना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, isdc.ac.in पर ऑनलाइन एडमिशन होता है, ठीक है, इससे जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं CMP की बात कर लेता हूँ, अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, ईश्वरचंद डिग्री कॉलेजेस की। CMP के लिए 24 नवंबर काउंसलिंग के लिए मैं बात करूँ BCA की, तो BCA की यहाँ पे कट ऑफ गिरी है, तो यहाँ पे जो BCA की स्टूडेंट है वो 80 एंड अबव, मतलब अगर 80 है या फिर उससे अधिक है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, बहुत कम ही कट ऑफ गई है, जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि BCOM के लिए तो ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट के लिए बुला गया है, अब अगर ST का नामांकन नहीं होता तो उनकी जो बची सीटें हैं वो SC कैटेगरी में बदल दी जाएंगी, ठीक है, सीट भरने के लिए। वहीं मैं BSc की बात करूँ, BSc मैथ CMP की, तो यहाँ पर भी जो है ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है, वही सेम चीज़ें कि अगर ST जो है नामांकन नहीं लेते हैं तो SC को वो सीटें वितरित कर दी जाएंगी। वहीं मैं BSc बायो की बात करूँ तो EWS का जो कट ऑफ गया है सबसे लोवेस्ट गया है, यानी 10 नंबर गया, ठीक है, 300 में से अगर 10 नंबर आप लाते हैं और आप BSc बायो करना चाहते हैं तो आप CMP से कर सकते हैं। SC के लिए 50 गया है क्योंकि SC की जो सीटें हैं सीटों के मुकाबले यहाँ पर एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है, जबकि ST वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी लागू होता है। बात कर लेता हूँ BA की जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ऑल कैटेगरी के लिए 120 गई है, कितनी, ऑल कैटेगरी के लिए 120 गई, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो ऑल अपीयर कैंडिडेट के लिए 120 गई, यानी 120 है या फिर उससे अधिक है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगला अनुमान लगाया जा रहा है कि 110 या 105 आने की उम्मीद है और जल्द ही उसके बाद जो कट ऑफ जारी होगा वो 100 के अंदर आ जाएगा, जबकि वहीं ऑल अपीयर ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। मैं बात करूँ ADC के कट ऑफ जो कि 24 नवंबर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, BCOM बॉयज़ जो है वो किटगंज कैंपस जाएंगे, EWS की कट ऑफ BCOM के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं BCOM की बात करूँ तो BCOM के लिए EWS कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 134 गई है एंड अबव गई है, OBC के लिए 133 गई है एंड अबव गई है, जबकि वही ऑल, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि एडमिशन जो है एडमिशन ले हुए काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं कि किसी का जो है एडमिट कार्ड मांग रहे हैं कि कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं। देखिए प्रोसेसिंग क्या है आपको उसको समझ लेना है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, फिर जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करवाना है, फिर आपको वेट करना है आपका सीट अलॉटमेंट होने का, जैसे ही सीट अलॉटमेंट होता है आपको फीस पेमेंट करनी है, फीस पेमेंट करके जो फीस रिसिप्ट होती है उसको आपको निकाल कर अपने पास रख लेना है। आपका जो एडमिशन है वो हो चुका है, आप कॉलेज जाएंगे या कॉलेज वाले कुछ डिमांड करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो वहाँ पे चीज़ें ज़रूरती पड़ेंगी, बाकी आपका जो प्रक्रिया है यही सब तक है। अब कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि सीट अलॉटमेंट में देरी हो जाती है, या फिर कई लोगों को मैंने अभी बात किया था तो कई लोगों से, तो ठीक है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसी को मैसेज नहीं आ रहे हैं,
किसी को जो है अलॉटमेंट नहीं हो रहा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, सर्वर थोड़ा सा डाउन हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पांस नहीं दे रही है क्योंकि फ़ोन जो है पिकअप नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास भी लगातार फ़ोन जा रहे हैं। हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि सॉल्व करने की, बट अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए दो बार, ठीक है, कट ऑफ आने का। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो कॉलेज वाले से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज़ आप कॉलेज जा सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रोसेस होगा वो लोग बता देंगे कॉलेज वाले, अगर कॉन्टैक्ट हो जाता है कॉलेज से, ठीक है, तो बेटर चीज़ें होंगी, वो लोग कुछ सुझाव निकालेंगे। अगर नहीं होता तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉलेज जाके एडमिशन ले सकते हैं। जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड एससी कैंडिडेट को बुला लिया गया है और ऑल कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है। मैं बीकॉम गर्ल्स की बात कर लेता हूँ, तो देखिए बीकॉम गर्ल्स जीरो रोड कैंपस जाएंगी, काफ़ी हाई कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 148 गई है, ओबीसी के लिए 146 गई है और एससी के लिए 100 गई है, बीकॉम के लिए फेमस ही है, ठीक है। ऑल अपीयर्ड एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया, जबकि ऑल अपीयर्ड जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। मैं बीएससी बायो एंड मैथ्स की बात करूं, ठीक है, माफ कीजिएगा, बीएससी मैथ की बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए किटगंज कैंपस आपको जाना है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ हुई 120 गई है, ओबीसी की 118 गई है और एससी के लिए 92 गई है, जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड एसटी और ऑल माइग्रेंट्स कश्मीरी माइग्रेंट्स को बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ बीए की, बीए बॉयज़ की, तो आप किटगंज कैंपस जाएंगे, जो है ऑल कैटेगरी के लिए 90 गई है और आल एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है और आल कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है, ठीक है, 90 गई है। वहीं सेम प्रोसेस गर्ल के भी दोहराया गया है कि ऑल कैटेगरी आपको जीरो रोड कैंपस जाना है, ऑल कैटेगरी के लिए 90 गई है, जबकि सभी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट को बुला लिया गया है और कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी बुला लिया गया है। तो ये आज की हमारी कट ऑफ थी, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप अगली कट ऑफ का वेट कीजिए, कट ऑफ गिरेंगी, ठीक है, सीटें अभी खाली है, सो डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं या फिर आप हमसे पर्सनली जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।